प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें एक स्पीसीज प्रारंभ में भाग लेती है और उसके बाद नई स्पीसीज बनती है। प्रारंभ में जो भाग लेने वाली स्पीसीज है उसे अपन क्रिया कारक या रिएक्टेंट कहते हैं, तथा नई बनने वाली जो स्पीसीज है उसे अपन उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक अभिक्रिया को अपन शॉर्ट में दर्शाना चाहें तो दर्शाते अपन क्रिया कारक से उत्पाद का बनना रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में सहसंयोजक बंध टूटते हैं तथा सहसंयोजक बंध बनते हैं। क्रिया कारक में सहसंयोजक बंध टूटते हैं तथा उत्पाद बनने के दौरान सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में बंध टूटने और बनने की क्रिया होती है। तो क्रिया कारक या रिएक्टेंट्स को फिर अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सबस्ट्रेट या अभिकारक और दूसरा रिएजेंट या अभिकर्मक। इस तरह से क्रिया कारक में दो पार्ट होते हैं, एक अभिकारक और दूसरा अभिकर्मक। तो अभिकारक या सबस्ट्रेट क्या होगा कि अभिक्रिया में जिस क्रियाकारक के दोनों प्रकार हैं ये, तो इसकी डेफिनेशन देंगे। अभिक्रिया में जिस क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है उसे अभिकारक या सबस्ट्रेट कहते हैं, और अभिकारक पर अभिकर्मक या रिएजेंट जो है वो अटैक करता है। तो शॉर्ट में दूसरे वे में दे सकते हैं इसकी डेफिनेशन, अर्थात जिस क्रियाकारक पर अभिकर्मक आक्रमण करता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक को अपन समझ सकते हैं कि जिसका कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है या कार्बन भाग ले रहा है, अर्थात बाहर से आने वाला समूह जिस कार्बन के साथ जुड़ रहा है वो पार्ट तो क्या हो जाएगा, अभिकारक या सबस्ट्रेट। दूसरा अभिकर्मक या रिएजेंट, इसे अपन शॉर्ट में अटैकिंग स्पीसीज या आक्रमणकारी स्पीसीज या आक्रमण करने वाली स्पीसीज कहते हैं। तो सबस्ट्रेट के साथ ये अभिक्रिया करती है या सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करती है। तो सबस्ट्रेट के साथ अभिक्रिया करने वाले क्रिया कारक को अभिकर्मक या रिएजेंट कहते हैं। तो एक उदाहरण से समझें अपन, जैसे एक सिंपल रिएक्शन देकर कि अभिकारक और अभिकर्मक क्या होंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया अपने CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, इसके अभिक्रिया करवा रहे हैं KOH के साथ। तो देखो अभिक्रिया क्या हो रही है, CH3CH2OH, जो CH2 के साथ Cl जुड़ा हुआ था वो यहाँ से हट गया और उसके स्थान पर क्या जुड़ गया है, OH, और ये बन गया KCl। तो देखो OH किसके साथ जुड़ रहा है, कार्बन के साथ। Cl तो जुड़ा है यहाँ पर K के साथ और OH जुड़ा है C के साथ। तो C या कार्बन किसका भाग ले रहा है, एथिल क्लोराइड का। तो एथिल क्लोराइड तो क्या हो गया यहाँ पर, अभिकारक या सबस्ट्रेट, और अटैक कौन कर रहा है, KOH। तो KOH क्या हो गया, रिएजेंट या अभिकर्मक, और दोनों को सामूहिक रूप से क्या नाम देंगे अपन, क्रियाकारक या रिएक्टेंट। इस तरह से क्रियाकारक के से उत्पाद का बनना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद देखते हैं अपन अभिक्रिया क्रियाविधि या रिएक्शन मैकेनिज्म कि क्रियाकारक से क्या बनता है उत्पाद। तो क्रियाकारक से ऐसे नहीं कि सीधे उत्पाद बन जाए, इसके बीच में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं जिनके थ्रू उत्पाद का निर्माण होता है। तो क्रियाकारक से उत्पाद बनने के दौरान जो परिवर्तन होते हैं या इनके बीच में जो क्रियाएँ होती हैं उनकी डिटेल स्टडी की जाए सीक्वेंस के रूप में, उसको बोलेंगे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो क्रियाकारक से उत्पाद में होने वाले परिवर्तन के विभिन्न पदों का क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाएगा, क्रियाविधि या मैकेनिज्म कहलाता है। तो देखो इसमें क्या क्या स्टेप होती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का संचलन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, बंध टूटने व बनने पर ऊर्जा में परिवर्तन, उत्पाद बनने में लगने वाले समय की जानकारी, इन सब का अध्ययन रिएक्शन मैकेनिज्म में करते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं इनको अपन सब की डिटेल स्टडी करें उसे रिएक्शन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को तीर या एरोस के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है उसको दर्शाने के लिए उसमें तीरों का बहुत महत्व होता है। तो तीर देखो किस तरह से अपन तीर या एरोस का यूज करते हैं, तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध दो प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बंध और दूसरे पाई बंध। एक सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है। बंध के इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट या गमन है
उसको घुमावदार तीर से दर्शाते हैं या रोटेट एरो के द्वारा दर्शाई जाता है, जिसमें बंद के इलेक्ट्रॉन उसके पुच्छ से सिर की ओर अर्थात टेल टू हेड मूवमेंट होता है। तो देखो अब इनके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह से हो सकता है, यदि एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म एक सहसंयोजक बंध में एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंधित परमाणुओं के मध्य से किसी एक परमाणु के ऊपर चला जाए तो उसके गमन को पूरे सिर वाले घुमावदार तीर से दर्शाएंगे और इलेक्ट्रॉन का गमन टेल टू हेड हो जाएगा। जैसे अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए से बी और ए से बी के बीच में क्या है, दो बंद बने हुए हैं, डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई। तो ये जो पाई बंद के इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए इनका मूवमेंट ए से किधर हो रहा है, बी की तरफ। तो इसको देखो अपने घुमावदार एरो लगाया और डबल हेडेड एरो या पूरे सिर का तीर लगा रहे हैं, तो बंद के इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, ए से बी की ओर। तो जिस परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और उसके विपरीत दूसरे एटम पर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से पूरे सिर वाले तीर का जहाँ उपयोग करते हैं वहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा है, यदि इलेक्ट्रॉन युग्म में से केवल एक इलेक्ट्रॉन गति करता है, एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म है अर्थात दो इलेक्ट्रॉन है, तो उस युग्म में से केवल एक इलेक्ट्रॉन गति करेगी तो उसे अपन हाफ हेड वाले एरो से दर्शाते हैं या आधे सिर वाले घुमावदार तीर से दर्शाते हैं। जैसे ए से बी बना, इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन ए से कहाँ रहे हैं, बी की ओर, और अपन एरो कौन सा लगा रहे हैं, हाफ हेडेड एरो। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे आएगा तो बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, ए के ऊपर। इस तरह से इसके द्वारा फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बनते हैं। तो इन तीरों से मुक्त मूलक के निर्माण को दर्शाया जाता है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा तो अपन हाफ हेडेड एरो का यूज करेंगे, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो उसे पूरे सिर वाले तीर से या डबल हेडेड एरो से शो करेंगे। और जो अनुनाद दर्शाया जाता है, इसके लिए नोट लगा के लिख दिया है हम कि अनुनाद को दो सिर वाले तीर से दर्शाते हैं। अब अपन ने देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो बंध का क्या होता है, विदलन या वियोजन होता है, अर्थात बंध टूटता है। और बंध टूटने की क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, एक समास और विषमास बंध विदलन, अर्थात होमोलाइटिक व हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक में क्या होते हैं, बंध टूटते हैं तथा उत्पाद में बंध बनते हैं। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभ में सहसंयोजक बंध का विखंडन या विदलन होता है। ये विखंडन या विदलन दो प्रकार से हो सकता है, इसमें पहला है समास विखंडन या होमोलाइटिक क्लीवेज। तो देखो समास का मतलब समान अंश, अर्थात बंध में जो दो इलेक्ट्रॉन है उनमें बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो या बराबर विभाजन या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, अर्थात दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास चला जाए, उसे बोलेंगे अपन समास या होमोलाइटिक क्लीवेज। तो ऐसा विखंडन जिसमें साजित इलेक्ट्रॉन युग्म का बंधित परमाणुओं के मध्य बराबर विभाजन होता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के पास व दूसरा दूसरे परमाणु के पास चला जाता है, उसे अपन समास विखंडन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लिया अपन ने, मान लीजिए कार्बन के साथ एक हाइपोथेटिकल एटम ले लिया अपन ने, क्या जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है। तो जब बंध का होमोलाइटिक क्लीवेज है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया ए पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन सी पर, तो इससे क्या बन गया, ए का मुक्त मूलक बन गया और दूसरा सी का मुक्त मूलक बन गया। इस विखंडन से बने परमाणु या समूह है विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अतः समास विखंडन से क्या बनेंगे, मुक्त मूलक बनते हैं। अब मुक्त मूलक के ऊपर क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है और स्थायित्व क्या होता है, कम होता है। तो अब अपने आता है कि इस विखंडन को अपन पहचाने कैसे, कब होमोलाइटिक होगा कब हेट्रोलाइटिक। तो देखो यदि अपने को रिएक्शन के ऊपर ताप को अपन ट्राइंगल या त्रिभुज से दर्शाते हैं, या प्रकाश जिसे एच न्यू से दर्शाते हैं, या परोक्साइड की उपस्थिति में होता है। तो ताप, प्रकाश या परोक्साइड की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया हो रही है तो वहाँ पर कौन सा क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज, और मुक्त मूलक बनते हैं। तो इस विखंडन से होने वाली अभिक्रियाएँ मुक्त मूलक अभिक्रियाएँ
कहलाती हैं, जो सामान्यतः श्रृंखला अभिक्रिया होती है। दूसरा विखंडन है विषमांस विखंडन या हेटरोलाइटिक क्लीवेज। तो इसमें क्या होगा, विषमांस का मतलब असमान वितरण, तो ऐसा विखंडन जिसमें साजित इलेक्ट्रॉन युग्म का बंधित परमाणुओं के मध्य असमान विभाजन हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक परमाणु के पास चला जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा अपने सी के साथ ए, तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, ए के ऊपर, तो जिस परमाणु पर आएंगे उस पर तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन युग्म जिस परमाणु की ओर जाते हैं उस पर आ जाएगा ऋणावेश और दूसरे पर धनावेश, अर्थात धनायन व ऋणायन बनते हैं। सहसंयोजक बंध का जो विषमांस विखंडन है वो निम्न दो प्रकार से संभव है, कि वो डिपेंड करेगा कि बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, वो उसके साथ जुड़े हुए परमाणु की नेचर पर निर्भर करता है। जैसे देखो कार्बन से जुड़ा परमाणु, कार्बन से कोई परमाणु जुड़ा और उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या हो, अधिक हो, तो अधिक होने पर बंध के इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणी की ओर जाते हैं, जिससे कार्बन पे तो क्या जाएगा, धनायन और अधिक विद्युत ऋणी पर नेगेटिव। और ऐसा कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे अपन कार्बो केटायन या कार्ब धनायन कहते हैं। तो यदि कार्बन अधिक विद्युत ऋणी से जुड़ा है तो वहाँ पर कार्बन का क्या बन जाएगा, धनायन। जैसे देखो एग्जाम्पल है CH3CH2Cl, यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच बंध बना हुआ है और Cl की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या है, अधिक है, तो इससे बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव कार्ब धनायन या कार्बो केटायन और साथ में क्या बन गया, Cl माइनस। दूसरा एग्जाम्पल देखें कि कार्बन से जुड़ा परमाणु, कार्बन से कोई परमाणु जुड़ा और उसकी विद्युत ऋणता कार्बन से क्या हो, कम हो, अर्थात विद्युत ऋणता अधिक किसकी होगी, कार्बन की। तो कार्बन से जुड़ा परमाणु कार्बन से कम विद्युत ऋणी होने पर बंध के इलेक्ट्रॉन कौन आकर्षित कर लेगा, कार्बन, तो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर आ रहे हैं, इससे कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाएगा, नेगेटिव आवेश। तो बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन आकर्षित करता है जिससे कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है और ऐसे कार्बन को अपन कार्ब एनायन कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल देखें अपन, ये एग्जाम्पल है CH3Li, या अपन कार्बन और मेटल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो कार्बन की विद्युत ऋणता लिथियम से ज़्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आएंगे, कार्बन की तरफ, तो देखो इससे क्या बन जाएगा, CH3 नेगेटिव और साथ में क्या बन गया, Li पॉजिटिव। इस तरह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो दूसरा एग्जाम्पल है Be2C, बेरिलियम कार्बाइड, यहाँ पर बंध बना हुआ बेरिलियम और कार्बन के बीच में, वो बेरिलियम क्या है, यहाँ पर धातु और कार्बन, तो धातु कार्बन के बीच बंध बना हुआ है, तो बंध के इलेक्ट्रॉन कौन आकर्षित कर लेगा, कार्बन, जिससे कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और बेरिलियम पर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से विषमांस विखंडन से आयनों का निर्माण होगा, जो निर्भर करता है कि कार्बन से किस तरह का एटम जुड़ा हुआ है। यदि अधिक विद्युत ऋणी का जुड़ा होगा तो कार्बोकेटाइन बनेंगे और कम विद्युत ऋणी जुड़ा होगा तो कार्बेनायन बनते हैं। ओके, थैंक यू।